आज से विदिशा शहर और जिले भर में बाजार खोलने के साथ ही अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में विदिशा के बैंड बाजा संघ ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बैंड बाजे और लाइट जनरेटर को भी लॉकडाउन में छूट देने की मांग की है। ज्ञापन के जरिए बताया कि पिछले साल भी लॉकडाउन के कारण जिले भर में 20,000 से ज़्यादा परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। अब जब पूरा बाजार खुल गया है, तब बैंड वाले, लाइट वाले, डेकोरेशन वालों को धंधा व्यवसाय करने की अनुमति भी दी जाए ताकि उनका परिवार पल सके। गंजे बासुदा से मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अफसर अली है, मैं शहर निवासी हूँ। किस संदर्भ में ज्ञापन दे रहे हैं? सर, आज लॉकडाउन खुल चुका है और सारे व्यवसाय खुल चुके हैं। कटिंग की दुकान से लेके सराफे की दुकान से लेके मिठाई की दुकान से लेके सारे व्यवसाय खुल चुके हैं। तो हम बैंड संघ की ओर से आए हुए हैं, जिसमें जनरेटर, गमले, घोड़ा, बैंड संघ की ओर से हम लोग आए हुए हैं। तो हमारा सरकार से ये निवेदन था कि हमारा अभी व्यवसाय चले, इसके लिए हमें भी अनुमति दी जाए बारात लगाने के लिए, जिससे हमारा घर गुजारा हो सके। हमारे संगे कई लेबर वर्ग के लोग भी हैं जुड़े हुए। तो क्या है कि पालन पोषण की दिक्कत आ रही है उनके लाने, इसलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा भी व्यवसाय खोला जाए, जिससे कि हमें भी राहत मिले। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।